हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अनदर चैप्टर चैप्टर नंबर सिक्स लाइट और इस चैप्टर में हम लोग लाइट की डेफिनेशन पढ़ेंगे देन वी विल लर्न अबाउट द मिरर्स टाइप ऑफ मिरर्स प्लेन मिरर्स एंड स्पेरिकल मिरर में हम लोग कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लाइट की डेफिनेशन लाइट क्या होता है तो ऑर्डिनरली हम जब रूम के अंदर जाते हैं तो हमें सारे ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं लेकिन अगर हम डार्क रूम में जाते हैं हमें ऑब्जेक्ट्स नहीं दिखाई देते हैं जब हम लाइट को ऑन करते हैं तब हमें रूम के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं सब दिखाई देते हैं तो इसके बेसिस में हम लाइट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं लाइट वो है जो सेंसेशन ऑफ साइट को प्रोड्यूस करती है और जिसकी वजह से हमको चीजें दिखाई देने लगती हैं लाइट अपने आप से तो दिखाई नहीं देती है लेकिन लाइट के होने से हमें ऑब्जेक्ट्स दिखाई देने लगते हैं तो लाइट इज दैट विच प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ साइट तो लाइट क्या है लाइट वो है जो सेंसेशन ऑफ साइट को प्रोड्यूस करती है जिससे हमें सारी चीजें दिखाई देती हैं तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि दो तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं ऑब्जेक्ट विच लाइट आर नोन एज अ सोर्सेज ऑफ लाइट और लिमिनस ऑब्जेक्ट्स तो वो ऑब्जेक्ट्स जो लाइट को इमिट करते हैं उनको या तो सोर्सेज ऑफ लाइट बोला जाता है या फिर लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स बोला जाता है जैसे कि सन हो गया स्टार्स हो गए बर्निंग कैंडल हो गई इनकेजेंट बल्ब हो गया ग्लोइंग सी एफ एल और लेड लैम्प हो गए फायर हो गई ये सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये लाइट को इमिट करते हैं इसलिए इनको लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स या फिर सोर्सेज ऑफ लाइट बोला जाता है देन दूसरी तरफ अगर हम देखें कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो अपने आप से लाइट को इमिट नहीं करते हैं लेकिन वो तभी विजिबल होते हैं तभी दिखाई देते हैं जब वहां पे लाइट पहले से हो तो इस तरह के ऑब्जेक्ट्स को हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं जैसे कि रूम हो गया चेयर टेबल बुक्स क्लोथ्स ये सारी जो चीजें हैं ये तभी दिखाई देती हैं जब लाइट वहां पर हो अगर लाइट नहीं होगी तो चीजें नहीं दिखाई देंगी तो इस तरह के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स नाउ नेचुरली क्वेश्चन अराइज होता है कि लाइट का नेचर कैसा होता है तो अगर हम लाइट को डिफाइन करेंगे तो लाइट क्या है लाइट एक फॉर्म में एनर्जी का जो ट्रेवल करती है वैक्यूम में भी और अलग अलग ट्रांसपेरेंट मीडिया में भी ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ठीक है वेव्स के फॉर्म में ट्रेवल करती है वैक्यूम और और डिफरेंट मीडिया के थ्रू ये ट्रैवल करती है और इसकी जो वेव लेंथ होती है वो बहुत ही छोटी होती है जिसकी रेंज होती है फोर हंड्रेड टू अबाउट 700 हंड्रेड एन और वैक्यूम और एयर मीडियम के अंदर लाइट जो है वो बहुत ही ज्यादा स्पीड से ट्रेवल करती है जिसकी वैल्यू है 3 इंटू टेन के पॉवर एट मीटर सेकेंड इनवर्स वन तो ये इसकी वैल्यू है जो कि जब लाइट वैक्यूम और एयर में ट्रेवल करती है तो ये इसके एक्स्ट्रा स्पीड का वैल्यू दिया हुआ है थ्री इंटू टेन की पावर एट मीटर सेकेंड इनवर्स वन ना हेयर वी विल लर्न अबाउट द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वो फनामोन होता है जिसमें लाइट बाउंस होती है सेम मीडियम में सर्फेस स्ट्राइक करने के बाद में ठीक है तो और वो सरफेस जो है कुछ भी हो सकता है तो यहाँ पे हम मिरर भी हो सकता है ठीक है प्लेन मिरर हो सकता है कॉनकेव मिरर हो सकता है कॉन्वेक्स मिरर हो सकता है तो यहाँ पे एग्जाम्पल में अ मिरर लिखा हुआ है और इसके बेसिस पे टू लॉज होती हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की तो हम यहाँ पे फर्स्ट लॉ देखेंगे इंसिडेंट रे द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन सेम प्लेन तो यहां रे, रे पे इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे ये तीनों रे रेज जो हैं वो सेम पॉइंट पे लाई करती हैं ठीक है देन सेकेंड इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल आई इंसिडेंस को आई से डिनोट किया जाता है एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इसको स्मॉल आर से डिनोट किया जाता है ये दोनों ही इक्वल होते हैं ठीक है एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होते हैं एंड लाई ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ दी नॉर्मल तो नॉर्मल लाइन के ऑपोजिट साइड पे ये लाइक करते हैं और ये दोनों ही इक्वल होते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बिल्कुल इक्वल होते हैं लेकिन ये नॉर्मल के ऑपोजिट साइड में लाइक करते हैं ठीक है तो ये है आपकी लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और इसका हम एक्सपेरिमेंटल uh, अभी देखेंगे कि किस तरह से ये प्रूव होता है सो so, यहाँ पे देखेंगे एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो यहाँ पे देखेंगे क्या है यहाँ पे आपको लेना है एक व्हाइट शीट लेनी है या व्हाइट पेपर लेना है और उसको ड्राइंग बोर्ड पे रख देना है उसके बाद में आपको एक लाइन बहुत पतली सी लाइन ड्रॉ करनी है, just middle है पेपर के जस्ट मिडल में ठीक है पेपर के सेंटर में आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है और उसको मार्क करना है एम और एम डैश राइट देन उसके बाद आपको एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करनी है जो कि मिडिल से एकदम सेंटर से लेनी है और उसको आपको लिखना है एन और सेंटर पॉइंट को आपको लिखना है ओ तो इट बिकम ओ एन ठीक है उसके बाद आपको एक थिन लाइन ड्रॉ करनी है पीओ पी और ओ की एक थिन लाइन ड्रॉ करनी है और, और इसका जो एंगल है वो थर्टी और सिक्सटी के बीच में होना चाहिए ठीक है एम और एम डैश के बीच से आप इसको निकाल रहे हैं तो इसमें जो एंगल है वो थर्टी और सिक्सटी के बीच में ही होना चाहिए उसके बाद आपको एक प्लेन मिरर को रखना है वर्टिकली ये जो लाइन आपने ड्रॉ करी है इसके वर्टिकली ठीक है खड़ा खड़ा ठीक है वर्टिकली आपको यहाँ पे मिरर रखना है और उसको सपोर्ट करना है इस तरह से आप सपोर्ट सपोर्ट करेंगे मिरर को कि उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो पी ओ यानी कि ये जो लाइन आपने ड्रॉ करी है उसके सामने होना चाहिए ताकि रिफ्लेक्शन आपको मिल सके उसके बाद आपको क्या करना है दो पिंस आपको लगानी है पी वन एंड पी टू वर्टिकली ऑन दी लाइन पी यहाँ पी ओ की लाइन पे आपको दो पिंस लगानी आपको यहाँ दिख रहा है पी वन और पी टू ठीक है दो पिंस आपको लगानी है और दोनों पिंस के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो सिक्स टू एट सेंटीमीटर होगा उसके बाद आपको क्या करना है लुक एट द इमेजेस जब आप मिरर में देखेंगे तो आपको इमेजेस दिखाई देंगी और इमेजेस दिखाई देंगे आपको P1 वन डैश और P2 टू डैश यहाँ पे आपको इमेजेस दिखाई देंगे ठीक है P1 वन डैश एंड P2 टू डैश और इसके बाद आपको क्या करना है लुक एट द इमेजेस P1 वन डैश एंड पी टू डैश ऑफ पिंस पी वन एंड पी टू तो आप जब यहाँ पे ये यह जो पिंस हैं इनकी जो आपको इमेज दिखाई देगी वो यहां दिखाई देगी और उसी को अपने यहाँ पे P1 वन एंड पी टू डैश से डिनोट किया हुआ है ठीक है सेम साइड ऑफ द प्लेन मिरर प्लेन मिरर के सेम साइड में ही आपको ये दिखाई देंगी देन आपको दो पिंस और फिक्स करनी है P3, P4 और आपको कुछ इन्हें इस तरह से आपको सेट करना है कि इनके जो फीट्स हैं ठीक है नीचे का जो पॉइंट है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आना चाहिए P1- वन डैश और p2 टू डैश के ठीक है तो इस तरह से आपको यहाँ पे पिंस को अटैच करना है या फिक्स करना है नाउ अब आपको क्या करना है सारे पिंस आपको रिमूव कर देना है उसके बाद आप क्या करेंगे जहां से आपने पिंस को रिमूव किया है पी थ्री पी फोर वहां पर आप मार्क लगा देंगे पेंसिल से डॉट या कुछ भी आप मार्क लगा देंगे उसके बाद आपको लाइन ड्रॉ करनी है ओ क्यू ठीक है ये वाली लाइन जहां पे आपने पिंस हटाई है और ये लाइन कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे कि ये पॉइंट को ज्वाइन करती हुई आगे की तरफ जाएगी देन ड्रॉ अ लाइन क्यू ओ क्यू ज्वाइनिंग द फीट ऑफ पिंस पी थ्री एंड पी फोर एंड एक्सटेंडिंग इट ऑन बोथ साइड यानी कि इस तरफ भी क्रॉस करनी चाहिए पी थ्री पी फोर के आगे तक ये लाइन आपकी जानी चाहिए अब ये आपने कम्प्लीट ड्रॉ कर दिया ठीक है पीछे के जो पिंस थे वहां भी आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी अब आपको क्या करना है आपको चेक करना है एंगल तो पीओ एन ये क्या है दिस इज इंसिडेंट रेट एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा क्योंकि ये लाइट ऑब्जेक्ट से यहाँ पर आके स्ट्राइक कर रही है तो ये क्या है इंसिडेंट एंगल है और उसके बाद आपको निकालना है ओ क्यू जो कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है तो आप जब इसको देखेंगे मेजर करेंगे तो ये दोनों ही एंगल क्या होंगे बिल्कुल इक्वल होंगे और ये दोनों ही एंगल आपको किसके ऑपोजिट दिखाई दे रहे हैं नॉर्मल लाइन के तो ये इसकी फर्स्ट जो हमने लॉ पढ़ी थी ठीक है सॉरी सेकेंड जो लॉ पढ़ी थी वो यही बोल रही थी कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा और ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन ये नॉर्मल के ऑपोजिट ऑपोजिट साइड में रहते हैं फर्स्ट लॉ ये बोल रही थी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल लाइन एंड देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये तीनों सेम पॉइंट पे लाइक करते हैं तो यहाँ पे आप देखें कि सेम पॉइंट पे ही तीनों लाइक कर रहे हैं ठीक है तो यहाँ पे uh, जो हमने दो लॉज पढ़ी थी पीछे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूफ हो गई है राइट नेक्स्ट इज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय अ मिरर मिरर के थ्रू जो ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे जब लाइट रे किसी भी ऑब्जेक्ट से पास होती है और रिफ्लेक्शन के बाद या तो वो एक्चुअली मीट हो रही है या फिर अपियर ऐसे करती है कि वो एक पॉइंट पे मीट हो रही है तो पहले क्या हो रहा है लाइट रे एक ऑब्जेक्ट पॉइंट से निकल रही है रिफ्लेक्शन होने के बाद उसका जब रिफ्लेक्शन हो जा रहा है तो वो या तो एक पॉइंट पे मीट हो रही है एक्चुअली में या फिर अपीयर ऐसे कर रही है जैसे कि वो मीट हो गई है ठीक है तो ये जो सेकंड पॉइंट है जहां पे इट इज एक्चुअली मीटिंग और अपीयरिंग टू मीट वो वाला जो सेकंड पॉइंट है उसको बोला जाता है इमेज ऑफ एन गिवन ऑब्जेक्ट पॉइंट ठीक है तो यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं अगर कोई चाइल्ड मिरर के सामने खड़ा है ना लुकिंग ग्लास या मिरर के सामने खड़ा हुआ है तो वो अपनी इमेज को देख रहा है तो यहाँ पे क्या है जो चाइल्ड ग्लास के सामने खड़ा है लुकिंग ग्लास के सामने आईने के सामने खड़ा है वो क्या है वो ऑब्जेक्ट है और जो अपने आप को वो अंदर देख रहा है ठीक है आईने के अंदर देख रहा है वो क्या है इमेज है तो चाइल्ड जो सामने खड़ा है वो ऑब्जेक्ट है और जो उसकी परछाई वो अंदर देख रहा है या जो अंदर की तरफ उसको दिखाई दे रहा है वो इमेज है इमेजेस दो तरह की होती हैं रियल इमेज और वर्चुअल इमेज तो हम एक एक करके पढ़ेंगे रियल इमेज किसको बोलते हैं जब लाइट रे ऑब्जेक्ट से निकलती है रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअली मीट होती है ठीक है एक पॉइंट वो मीट हो जाती है तो उस इमेज को रियल इमेज कहा जाता है फिर से समझ लीजिए जब लाइट रे ऑब्जेक्ट से पास होती है और रिफ्लेक्शन के बाद में वो एक्चुअली में एक पॉइंट पे मीट हो जाती है तो उस इमेज को कहा जाता है रियल इमेज और रियल इमेज को स्क्रीन पे बनाया जा सकता है वो स्क्रीन पे बन सकती है रियल इमेज जो मिरर से बनती है वो इन्वर्टेड मतलब उल्टी बनती है ठीक है उल्टी इमेज बनेगी और मोर ओवर रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस इन फ्रंट ऑफ अ मिरर इज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ द मिरर इट्स अगर रियल इमेज में ऑब्जेक्ट को अगर आप मिरर के सामने रख रहे हैं तो जो उसका जो इमेज बनेगा वो उसके सामने ही बनेगा ठीक है नाउ नेक्स्ट इज वर्चुअल इमेज अगर लाइट रेज ऑब्जेक्ट से पास हो रही हैं रिफ्लेक्शन के बाद और वो मीट नहीं हो रही हैं लेकिन अपियर कर रही हैं कि वो मीट हो रही हैं तो ऐसी इमेजेस को वर्चुअल इमेज कहा जाता है और जो वर्चुअल इमेज होती है उसको आप स्क्रीन पे फॉर्म नहीं कर सकते हैं वर्चुअल इमेज जो मिरर फॉर्म करता है वो इरेक्ट होती है इरेक्ट मतलब सीधी बनती है ठीक है वर्चुअल इमेज जो ऑब्जेक्ट की है उसमें क्या किया जाता है तो वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस इन फ्रंट ऑफ द मिरर इज फाउंड बिहाइंड द मिरर तो वर्चुअल इमेज जो ऑब्जेक्ट की होती है वो मिरर के पीछे बनती है ठीक है ऑब्जेक्ट सामने रखा हुआ है लेकिन उसकी इमेज कहाँ बन रही है पीछे बन रही है लेकिन जो रियल इमेज होती है वहां पे ऑब्जेक्ट मिरर के सामने रखा होता है और मिरर की जो इमेज सॉरी ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो मिरर के सामने ही बनती है और वर्चुअल में क्या होता है वो मिरर के बिहाइंड यानी कि पीछे की तरफ बनती है नाउ वी विल सी द डिफरेंस बिटवीन द रियल एंड वर्चुअल इमेजेस तो यहाँ पे हम देखेंगे रियल इमेज हम ऑलरेडी अभी पढ़ चुके हैं उसी का डिफ्रेंसिएशन दिया हुआ है रियल इमेज क्या है रियल इमेज इज फॉर्म वेन लाइट रे फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शिंग रिफ्लेक्शन एक्चुअली मीट और इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट तो रियल इमेज में क्या होता है जब लाइट रेज ऑब्जेक्ट के से रिफ्लेक्शन के बाद निकलती है तो वो किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं या एक्चुअली मीट करती हैं तो वो रियल इमेज होती हैं और जो मीट नहीं करती हैं या फिर वो अपियर करती हैं कि वो मीट हो रही हैं वो एक्चुअली में मीट नहीं करती है उनको वर्चुअल इमेज बोला जाता है रियल इमेज हमेशा उल्टी बनती है वर्चुअल इमेज हमेशा सीधी बनती है रियल इमेज को स्क्रीन पे ऑप्टेंट किया जा सकता है वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पे ऑप्टेंट नहीं किया जा सकता है तो ये इसके डिफरेंसेस हो गए